अगर आप अपने पूरे मोबाइल फोन की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहना। बिना किसी एप्लीकेशन के आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पूरे मोबाइल फोन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल हरीश यूट्यूब चैनल। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लेना, ताकि नई वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो अगर आप अपने पूरे मोबाइल फोन की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल हरीश यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, आप अपने मोबाइल फोन में देख सकते हैं, पहले आपके जो भी यहां पर कीवर्ड थे या टैग्स लगा लीजिए, यहां पर आपके आप उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस ट्रिक को किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर अबाउट के ऑप्शन में चले जाना है। आपको अबाउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर MIUI वर्जन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। आपको दो या तीन बार क्लिक कर लेना है, मैंने पहले ही इसको क्लिक कर रखा है, मेरा डेवलपर जो था ऑप्शन वो अनेबल हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ चले आना है। नीचे की तरफ आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फोर्स RTL लेआउट डायरेक्शन, कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की डायरेक्शन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आपका मोबाइल कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो मेरे मोबाइल फ़ोन की डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ये देख लीजिए, जो भी मैं चलाऊँगा सब उल्टा मुझे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन की डायरेक्शन को बड़े आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल फिर से ठीक हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल के जितने भी ऑप्शंस हैं सभी ऑप्शन आपको उल्टे दिखाई देंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल सके। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ फिर किसी नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए देखते रहो टेक्निकल हरीश यूट्यूब चैनल। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।